इन सत्तर सालों में पाकिस्तानी आर्ट ने भी अपनी एक शनाख्त बना ली है और हमारा यहाँ का आर्ट जो है बहुत वाइब्रेंट है बहुत वैरायटी है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है बसमिल्ल रनिम मेरा नाम राहत नवीद मसूद है और आ, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट एक पेंटर हूँ और आ, आई वुड लाइक टू टेक दी अपॉर्चुनिटी हेयर टू थैंक एम एम टॉक्स फॉर इन्वाइटिंग मी शुरू देखें ज़िंदगी तो एक, um, एक लंबी दास्तान है और uh, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेकिन मैंने ये सीखा है और uh, ये जाना है कि हर इंसान जो है उसमें एक uh, खुदा ताला ने एक पोटेंशियल डाला हुआ है अब उस पोटेंशियल की जो है ना सर्च वो एक बहुत अहमियत की हामिल है आ, हम उसको किस तरह से ढूंढते हैं या जानते हैं ये तो फिर आपकी जो ज़िंदगी की जो आपकी एक जस्तु है जो एक आपकी जर्नी है उसमें से आपको ख़ुद से ख़ुद रास्ते मिलते जाते हैं और अगर मैं अपनी जर्नी एज़ एन आर्टिस्ट की बात करूं तो मैं समझती हूं कि हमारे घर का शायद माहौल ऐसा था जहां पे के किमो अदब की बात थी और इकदार की बात थी और माशरे में जो पॉलिटिकल uh, या सोशल जो भी कुछ उस वक्त हालात थे उसकी उस, उस पर बहुत गुफ्त तो शनिद होती थी तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं बिकॉज़ uh, uh, सिर्फ आर्टिस्ट का काम सिर्फ तस्वीर बनाना नहीं है या उसको तस्वीर इन द सेंस कि उसको कोई शक्ल बनानी आती हो या उसको कोई फूल बनाना आता हो या उसकी ड्राॅइंग अच्छी हो उसके साथ वो कह क्या रहा है उसका मैसेज क्या जा रहा है उसके काम के ज़रिए तो वो सबसे एक अहम चीज़ है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने कोई हुनर दिया है या कोई टैलेंट दिया है तो आप उस टैलेंट को किस तरह से बुरकाल ला रहे हैं और उस उस टैलेंट से माशरे की आपके इर्द गिर्द के लोगों की आप किस तरह से एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि माई फादर वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज इन पॉलिटिक्स तो वह फिर पॉलिटिक्स पर भी बहुत गुफ्त तो वुनिद होती थी बहुत बात होती थी सो आई वॉज एज अ चाइल्ड आई बिकेम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम द इशूज़ दैट वी एज अंग नेशन वेसिंग तो वो बचपन से ही वो चीज़ें सामने आती रही फिर वो चूँकि एक रगबत थी uh, uh, आर्ट की तरफ तो फिर खुद से खुद वही स्कूल में भी वही सब्जेक्ट ले लिया फिर फाइन आर्ट्स एफ में भी ले लिया और uh, बस वो एक जस्तजू फिर जो चल पड़ी ना और एक इंटरेस्ट फिर डेवलप होता चला गया होता चला गया जब मास्टर्स कर लिया तो रियलाइजेशन हुई कि ये प्रॉब्ली दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप तो क्योंकि उसके बाद जो है वो सारी जो है आपकी हराइजनस uh, खुलते हैं आपका जहन खुलता है जैसे कहते हैं ना खिड़कियाँ दरवाज़े खुलते हैं आपकी सोच वसी हो जाती है फिर कुछ अर्से के बाद ही मुझे यूनिवर्सिटी ने खुद से दे, बुला लिया कि आप आके यहाँ टीच करें तो मैंने टीच करना शुरू कर दिया तो इसलिए जो टीचर का रोल है वो इतना अहम है मैंने ये देखा कि एज़ ए टीचर आप ज़्यादा तारीफ़ कर जाएं तो भी स्टूडेंट्स के स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना वो फिर वहीं पे रुक जाता है वो समझता है मैं तो आ, बस ठीक है मैं बहुत खूब हूँ लेकिन ये टीचर का एक तरह से उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो ये समझे कि कहाँ पे उसको एक थपकी देनी है कहाँ पे उसको शाबाशी देनी है और कहाँ उसको थोड़ा सा खींचना है ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो ना रुके डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए मैंने ये देखा है कि का टीचर्स बहुत डिस्करेज कर देती हैं स्टूडेंट्स को आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड रेमेडी या उस अच्छा तरीका है वो वो बिल्कुल uh, नामनासिब है बिकॉज ख़ास तौर पर एक फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट जो पहले ही बहुत सेंसिटिव होता है उसको अगर कोई सख्त सी बात कह दी जाए तो मेरा ख़्याल है वो अंदर से टूट जाता है फिर तो इसलिए आई वॉज़ वेरी केयरफुल कि मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को डील करूँ और चूँकि मेरा माय माई काइंड ऑफ इंटरेस्ट बिकेम माई प्रोफेशन एज़ वेल एज एन आर्टिस्ट तो वो जो चीज़ थी फिर मुझे उसको भी साथ साथ लेके चलना था मेरे आई वॉज आई गॉट मैरिड आफ्टर माई मास्टर्स एंड देन ऑब्वियसली फिर एक कितने सारे आप रोल्स निभा रहे होते हो एज अ वाइफ एज मदर एज़ डॉटर इन लॉ एंड यू नो और सारे इतने रिश्ते आपके होते हैं लेकिन मेरा ख्याल है शायद एक औरत होने के नाते आई थिंक वी कैन डू मल्टी टास्किंग फिर मेरे हस्बैंड को एक uh, मौका उनकी पोस्टिंग हो गई लंदन, तो वो मुझे एक मौका मिला कि टू इम्प्रूव माय, यू नो स्टडीज़ मेरी अपनी जो क्वालिफिकेशन थी uh, मुझे हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ जा के या किसी तरह मुझे बट ये इट वॉज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी कि पोस्टिंग मियाँ की हुई तो मुझे भी साथ एक मौका मिल गया कि मैंने uh, फिर वहाँ मास्टर्स किया और उस वक्त बच्चे बस अभी छोटे थे बड़े थे आहिस्ता आस्ता फिर वी केम बैक टू पाकिस्तान मैंने पढ़ाना फिर से वही उसी रूटीन में देन आई टू हैड बाई दैट टाइम आई हैड ऑल्सो मिच्योर्ड एज एन आर्टिस्ट और मेरी जो एक्सपीरियंसिस बाहर के थे जो मैंने वहाँ देखा सब कुछ एंड द डिस्पैरिटी बिटवीन आर करिकम एंड हाउ देवर टीचिंग आर्ट तो uh, हम लोग बहुत uh, एक तरह से प्रजेंट में नहीं थे हम बहुत पास्ट में अपना करिकुलम ले कर चल रहे थे सो so, वो फिर आके सजेशनस uh, uh, मैंने दी इधर के आप मतलब ब्रिंग इट अप टू डेट एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी आर्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी आर्टिस्ट बिकॉज अब हमने भी अपना एक इन इन सत्तर सालों में पाकिस्तानी आर्ट ने भी अपनी एक शनाख्त बना ली है और हमारा यहाँ का आर्ट जो है बहुत वाइब्रेंट है बहुत वैरायटी है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है और मैं समझती हूँ कि उस डाइवर्सिटी को वन शुड सेलिब्रेट दैट हमारे मौसमों में जो कुछ रंग हैं और जो हमारी um, हवा में और फूल और दरख्त अभी हाल ही में मुझे uh, केसरिया uh, जो हैं इन्होंने एक uh, प्रोजेक्ट मेरे साथ किया था uh, उन्होंने ये सोचा कि जो लाहौर के फ़्लावरिंग ट्रीज़ हैं उनको uh, टेक्सटाइल पर लाया जाए जैसे कचनार आया है तो कचनार की पूरी डिटेल फिर गुलमोहर आया फिर यू नो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट फिर अमलतास और ये सब जो लाहौर के आप खूबसूरत तरीन दरख्त देखते हैं इनका एक पूरा फिर मैंने एक इस पर काम किया एंड इट वाज इट वाज सो यानी इंटरेस्टिंग इन द सेंस के लोगों के लिए ये बहुत एक इंटरेस्ट का बायस हुआ कि वो यही कहने लगे कि हमने इतनी गौर से अब इस तरह देखा नहीं कि एक फूल की क़रीब से जैसे अमल ताश है तो उसकी क्या बनावट है आप दूर से देख लेते हैं लेकिन आप उसको करीब से देखें और फिर ये कि अगर आपने वो पहना हुआ है उसी तरह का लिबास तो यू आर लाइक यू नो वेयरिंग दोज़ फ्लावर्स तो ये जो चीज़ें हैं आर्ट जो है ये आपको ज़िंदगी के नज़दीक तरीन ले जाता है

जो कर रहे होते हैं आपका और उसका एक रिश्ता बना होता है चाहे वो फूल है चाहे वो कोई सब्जेक्ट है चाहे वो आप कोई कंसीव कर रहे हैं तो इट्स जस्ट यू एंड योर कैनवस सो उसमें एक पॉइंट uh, आता है जहाँ पे कि फिर आप uh, महसूस करते हैं कि यू नो यू हैव अ कनेक्शन यू हैव अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे uh, यहाँ पे आई थिंक एक और बहुत ज़रूरी बात कहनी है कि जो जो फ़न है ना किसी भी मुल्क का किसी भी सकाफत का आ, अदब हो मौसीकी हो पेंटिंग हो जो भी है वो उस आ, आ, उस माशरे की अक्कासी करता है अगर आप हिस्ट्री देखें आप आ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट देखें तो जो पुरानी तहजीबें थी आपने उनके बारे में कैसे जाना आपने उनका स्कल्पचर देखा उनकी पॉटरी देखी उनका रहन सहन देखा आपने मोहनजोदारो जब हमारे यहाँ हड़प्पा की सिविलाइजेशन आपने उनकी घर बार देखे उन्होंने घर कैसे बनाए तो उससे आपने जाना कि ये लोग कैसे थे इनका मज़हब क्या था इनका रहन सहन क्या था इनकी सोच क्या थी इनकी फ़िक्र क्या थी तो उसी तरह आ, हम जो इस वक्त हमारा जो भी काम आपको नज़र आ रहा है किसी भी फील्ड में चाहे मौसीकी में चाहे विजुअल आर्ट्स में तो फ़न जो है ना आर्ट वो कभी झूठ नहीं बोलता आ, वो हमेशा सच्चाई चाहे अब वो एक बुरी चीज़ आपको नज़र आ रही है या वो अलग बात है कि आपको नज़र क्या आ रहा है लेकिन जो भी एक फ़न में आपको सब्जेक्ट मैटर या जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक हकीकत होती है क्योंकि जो फनकार होता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही अपनी इंस्पिरेशन लेता है वो किसी वैक्यूम में बैठ के वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो वो जो उसको जो चीज़ उसको असरअंदाज होगी जो उस पर जहनी तौर पर या इमोशनली या साइकोलॉजिकली या सैरबली यानी इंटेलेक्चुअली तो वो चीज़ें हैं जो उसके काम में नुमाया होंगी तो इसलिए हमारे यहाँ कुछ हालात ऐसे रहे हैं मुल्क के कि ये जो मजमून है इसको थोड़ी सी बैक सीट इसकी रही है आ, लोगों ने इसकी अहमियत को उस तरह जाना नहीं कि इसकी अहमियत जो है स्पेशली स्कूलों में बच्चे जब आर्ट करते हैं या उनसे बनवाई जाती हैं तो लाजमी नहीं कि वो उन्होंने कोई आर्टिस्ट बनना है आर्ट जो है आपकी जो एक क्रिएटिव हिस्स है ना जो आपकी तखलीकी हिस्स है उसको वो उजागर करता है तो जब जि, जितना ज़्यादा बच्चा अपनी इन चीज़ों में आएगा इन एक्टिविटीज़ में आएगा ड्राइंग करेगा कलर से खेलेगा सोचेगा उसकी इमेजिनेशन को तूल मिलेगी उसकी एक वो किसी और यू नो दुनिया में अपने आप को वो लेके जाएगा तो उससे उसकी एक क्रिएटिविटी जो है वो जन्म लेगी और वो क्रिएटिविटी जो है वो उसको फिर जो भी शोभा वो आगे जाके इख्तियार करे, इट्स गोइंग टू हेल्प हिम क्योंकि मेरी इस इसमें बहुत मेरा वक्त गुजरा है मेरी ज़िंदगी सारी इसी में ही आए यू नो एजुकेशन में और इस इस फील्ड में गुजरी है तो मैंने यही महसूस किया कि किरदार है ना बच्चे का वो वो सिर्फ़ साइंस से नहीं बनता वो उसका पुख्ता होता है उसने फलसफा पढ़ा उसने तारीख पढ़ी हो उसने आर्ट पढ़ा हो उसने अदब पढ़ा हो तो ये जो चीज़ें ये उसकी जो फिर उसकी खम जो शख्सियत है वो तभी पैदा होती है जब उसने एक ओवरऑल उसकी एक ग्रूमिंग हो और ग्रूमिंग जो है आई uh, थिंक वो ही इस वक्त हमारी नीड है uh, हमारे मुल्क की हमारे माशरे की हम अपने बच्चों को uh, कदरों की तरफ ले कर आएँ बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक अप मैन अ मैन जैसे आई रिमेंबर आर आर्ट टीचर इन स्कूल शीज़ टू से मैनज़ मेक इथ द मैन सो वेरी राइटली मैनज़ मेक इथ द मैन और जाते जाते मैं इकबाल का शेर वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी रंग हो या संग चंग हो या हरफ सौत मुझ फन की है खून जे गर से नमूद शुक्रिया